दोस्तों, ये एक खबर आपको साथ शेयर करेंगे कि जिसमें पीआर बनने के बाद कनाडा में सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं और उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास इतने दिन होने चाहिए रेसिडेंस इन कनाडा, तब जाके आप सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई करोगे। तो ये खबर है, ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं बुशरा हेलीपोटा, और ये बाहर रहती हैं कनाडा के। इनके पास पीआर स्टेटस है, पता नहीं अभी भी शायद ख़त्म ना हो गया, अभी भी है, और ये यूनाइटेड नेशंस में काम करती हैं और ये बाहर रहती हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन क्योंकि इनके दिन पूरे नहीं होते सिटीजनशिप के लिए, तो इनकी सिटीजनशिप में कि इनको और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी वुमेन सेज वर्किंग विद रेफ्यूजीज फॉर यूएन एंटाइटल्स हर टू फास्ट ट्रैक कैनेडियन सिटीजनशिप। देखते हैं पहलू क्या है इस केस के। इसमें इन्होंने पहले क्या होता है, आपको ये बताते हैं कि एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है जिसके तहत जो यहाँ पर इमिग्रेशन महकमा है वो एक स्पेशल कंसिडरेशन में आपसे देते हैं, उस पर पहले गौर करते हैं। देखते हैं पहले वो क्या है। ये देखिए, ये है सेक्शन, ये देखिए 4 जो आप देख रहे हैं, स्पेशल केसेस इसको कह रहे हैं। सो डिस्पाइट एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द मिनिस्टर मे इन हिज और हर डिस्क्रिशन ग्रांट सिटीजनशिप टू एनी पर्सन टू एलिवेट केसेस ऑफ स्टेटलेसनेस और ऑफ स्पेशल एंड अनयूजुअल हार्डशिप और टू रिवॉर्ड सर्विसेज ऑफ एन एक्सेप्शनल वैल्यू टू कैनेडा। बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं कि इनके केस में क्या हुआ। पहले इस तरह के जो प्रोविजन मिलते थे वो उनको मिलते थे जो फॉरेन एथलीट्स वगैरह है जिनको कनाडा की तरफ खेलना है और कनाडा को जल्दी से इनको सिटीजनशिप देना है। जैसे कि कुछ एग्जांपल उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर, कि ये देखिए यहाँ पर ग्रांटेड टू फॉरेन एथलीट्स सो दैट दे कैन कम्पीट फॉर कनाडा एट ओलंपिक गेम्स, बट इन दिस इंस्टेंस बुशरा हेलीपोटा हु हैज परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस इन कनाडा सेज हर वर्क विद यूएन टू हेल्प रेफ्यूजीज एंड एफर्ट्स टू फर्दर ग्लोबल पीस डिजर्व स्पेशल कंसिडरेशन। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। जो एक इस अभी जो ये खबर में आई आई है, जो जो ये सब बातें हो रही हैं कि ये क्यों हुआ, क्योंकि जज ने कहा है कि हाँ इनको एक स्पेशल कंसिडरेशन मिलना चाहिए, और ये दोबारा गया है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास और देखते हैं कि क्या होता है। होपफुली इनको करना पड़ेगा शायद। तो इसमें यहाँ पर देखें, बट इन अडिशन लास्ट वीक A federal court judge sent the case back for consideration after finding that Halipota's claim was not decided on its merit. I strongly believe that Ms. Halipota's work for UNHCR should be considered as exceptional value to Canada because her work is consistent with the Canadian mandate to save lives. मैं तो एक्चुअली जज के साथ एग्री नहीं करता, लेकिन देखिए स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है कि हैलीपोटा हुज चिल्ड्रन एंड सिस्टर्स आर कैनेडियन सिटीजंस एंड लिव इन कनाडा फर्स्ट अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप इन 2009 में, 2017 में सिटीजनशिप जज ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन के इनफ टाइम स्पेंडिंग हुआ। तो ये जिसके बारे में बात कर रहा था, सेक्शन 5(4) ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, इससे एक डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन जज ने कहा है कि इनको मिलना चाहिए। अब इट इज़ वेरी अनयूजुअल है कि इस तरह के काम के लिए, यूएन के काम के लिए जो बाहर कैनेडा के बाहर काम कर रहे हैं उनका रेसिडेंसी अफेक्ट ना हो और इनको क्रेडिट मिलके सिटीजनशिप मिल जाए। तो देखते हैं क्या होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। सो दिस इज द केस, पाकिस्तानी वुमेन से इज वर्किंग विद रेफ्यूजीज फॉर यूएन एंटाइटल्स टू फास्ट ट्रैक कैनेडियन सिटीजनशिप। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह कमेंट डालें, बताएं क्या सोचते हैं आप इसके बारे में।